हेलो स्टूडेंट्स दिस इज लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन वी विल कंप्लीट चैप्टर टेन प्लांट्स फ्रॉम ईवीएस बुक फ्रेंड्स ऑफ अर्थ ऑफ क्लास सेकेंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड प्लांट्स पौधे प्लांट्स आर लिविंग बीइंग लाइक एनिमल्स प्लांट विल होते हैं ठीक है जिनमें जान होती है लाइक एनिमल्स एनिमल्स की तरह प्लांट्स कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं ठीक है मजबूत होते हैं दे आर कॉल्ड ट्री जिनको हम पेड़ बोलते हैं ट्रीज दे हैव थिक वन ट्रंक एंड हैव मैनी ब्रांचेज उनकी थिक वुन ट्रंक होती है ठीक है बुडन मीन्स लकड़ी की बहुत मोटी सी उसकी वो होती है ऊपर से ट्रंक एंड हैव मैनी ब्रांचेज और बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं शाखाएँ होती हैं अलग अलग सम ट्रीज लाइक बेन लिव फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स कुछ पेड़ हैं जैसे कि जिनमें बेन का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे वेनियन ट्री ठीक है तो वो हंड्रेड ऑफ ईयर्स तक रहता है जीवित वो ख़त्म नहीं होता मतलब ग्रीन रहता है अच्छा रहता है तो यहाँ पेड़ के नेम दिए गए हैं इधर मैंगो ट्री है जिस पे आम आते हैं और अब सीजन है मैंगोज का तो आप आम खाओगे बेनियन ट्री है और यहाँ बनाना ट्री बनाना लगे हुए हैं सम प्लांट्स आर सॉर्ट कुछ प्लांट सॉर्ट होते हैं कुछ पौधे कैसे होते हैं छोटे होते हैं दे आर कॉल्ड श्रब्स उनको हम श्रब्स बोलते हैं सम ऑफ दम थॉर्न्स और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके ऊपर थॉर्न्स होते हैं थॉर्न्स मीन्स कांटे दे हैव हार्ड स्टेम उनकी स्टेम हार्ड होती हैं दे लुक लाइक बुशस और वो बिल्कुल झाड़ियों जैसे दिखते हैं बुसज झाड़ियों दीज आर रोज जैसे कि रोज हो गया हिविसकस हो गया जैसमीन एट्सेट्रा ओके ये क्या है सर्ब के एग्जाम्पल्स हैं सर्ब के हर्ब्स आर स्मॉल एंड वेरी बिग प्लांट जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और बिग प्लांट होते हैं ये बहुत कमजोर पौधे होते हैं दैट लिव ओनली फॉर वन और टू सीजन लाइक ये केवल एक सीजन या फिर दो सीज़न तक ही चलते हैं जैसे कि कैवेज है स्पेनिच है मिंट है ठीक है कैवेज इस्पेनिच पालक वगैरह मिंट पुदीना तो ये सारी चीज़ें क्रीपर्स देखिए अब क्रीपर्स एंड क्लाइम्बर्स प्लांट ग्रो हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली जो क्रीपर्स होते हैं या फिर क्लाइंबर्स प्लांट होते हैं ये ग्रो करते हैं या वर्टिकली ठीक है या ऊपर की तरफ बढ़ते हैं या फिर नीचे की तरफ ऐसे बेल टाइप क्लाइंबर नीड सम सपोर्ट टू स्टैंड अपराइट लाइक मनी प्लांट एटसेट्रा तो क्लाइंबर जो होते हैं उनके लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है जैसे कि आपने देखा होगा घर में सपोर्ट देते हो तब तो वो बेल बढ़ती चली जाती है स्टैंड अपराइट लाइक ग्रेप बाइन या अंगूर की बेल आपने देखी है या फिर मनी प्लांट आपने देखा आपके घर में होता है तो वो सपोर्ट के थ्रू ऊपर बढ़ता है क्रीपर्स ग्रो पैरलर टू द ग्राउंड लाइक पंपकिन एंड वाटर मेलन क्रीपर्स को आपने देखा होगा कि वो पैरलर उसमें चलते हैं ग्राउंड पे जैसे कि लाइक पंपकिन वगैरह देखा है पंपकिन नीचे रहता है और बेल बढ़ती चली जाती है एंड वाटर तो यहाँ क्रीपर प्लांट है ये क्लाइंबर प्लांट है जो ऊपर चढ़ती है बेल लेट्स अस नाउ स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अब प्लांट्स के पार्ट के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे पढ़ेंगे तो so, फर्स्ट आता है आपका रूट्स रूट्स आपको यहाँ दिख रही होंगी किस तरह से ये रूट बनी हुई है ठीक है ये आप पिक्चर में देख सकते हो रूट्स को ये देखो ये रूट्स हैं ओके तो यहाँ रूट टेक मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल इट ग्रोज इन द ग्राउंड इन द सॉइल जो रूट्स होती हैं ये मिनरल्स और वाटर लेती हैं मिट्टी से ठीक है मिट्टी से क्या लेती हैं मिनरल्स खनिज पदार्थ लेती हैं अपने लिए और वाटर लेती हैं इट्स ग्रोज इन द ग्राउंड इन द सॉइल और ये ग्रोज करती हैं मिट्टी से ग्राउंड में ठीक है ग्राउंड में ही ग्रो करती हैं सॉइल सॉइल से उसी से अब आता है रूट हो गया अब देखिए नीचे लीव्स लीव्स पे आते हैं हम लीव्स देखो लीव्स मीन्स पत्तियां लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट लीव्स को क्या भी बोला जाता है किचन ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है दे मेक फूड फॉर द प्लांट ये फूड देती हैं प्लांट को ठीक है ये क्या देती हैं लीव्स फूड प्रोवाइड करती हैं प्लांट को फ्लावर्स फ्लावर्स मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वी आर फ्लावर्स ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनपे फ्लावर्स होते हैं दे गिव स्वीट फ्रेगरेंस टू द एनवायरनमेंट और ये हमारे एनवायरनमेंट में हमारे वातावरण को स्वीट एकदम बहकती हुई फ्रेगरेंस देते हैं खुशबू देते हैं स्टेम अब स्टेम देखिए तने द स्टेम वर्क एज अ सप्लायर जो स्टेम होती हैं वो काम करती हैं एज अ सप्लायर सप्लायर की तरह इट सप्लाइज वाटर फ्रॉम रूट्स ये सप्लाई करती हैं जड़ों को पानी टू द लीव्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स और लीव्स से फ़ूड मिलता है मतलब लीव्स फूड प्रोवाइड करती हैं लीव्स को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ठीक है हर एक हिस्से में प्लांट की फूड प्रोवाइड करती हैं लीव्स द स्टेम ग्रोज बूडी एंड हार्ड जो स्टेम होती है वो ग्रो होती है बूडी एंड हार्ड ये हार्ड स्टेम होती है एज द प्लांट ग्रो ओल्डर जब प्लांट ओल्ड हो जाता है तो फाइव फ्रूट्स फ्रूट्स देखिए मोस्ट ऑफ द प्लांट वी फ्रूट्स ज्यादातर प्लांट्स पे फ्रूट्स रहते हैं वी ईट सम ऑफ द फ्रूट्स हम कुछ फ्रूट्स खाते भी हैं फ्रूट्स कंटेन सीड ऑफ द प्लांट और जो फ्रूट्स होते हैं वो कंटेन करके रखते हैं सीड्स ठीक है ऑफ द प्लांट प्लांट में फ्रूट में सीड्स होते हैं ओके okay? तो नंबर सिक्स है सीड्स सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट आपने देखा है ना कि फ्रूट अगर आप कोई भी आ, कट करते हो जैसे एप्पल कट करते हो तो एप्पल में छोटे छोटे से सीड्स निकलते हैं ठीक है अगर आप पपाया कट करते हो तो पपाया में सीड्स निकलते हैं तो सीड्स आर प्रेजेंट इन साइड द फ्रूट ओके इन साइड अंदर रहते हैं बीज फ्रूट के प्लांट गिवस फाइबर प्लांट्स हमें फाइबर भी देते हैं विच वी यूज टू मेक क्लोथ्स जिससे हम क्लोथ्स बनाते हैं बैग्स एंड अदर यूजफुल आइटम्स बैग्स भी बनाते हैं अदर यूजफुल आइटम्स जो भी अदर यूजफुल आइटम्स होते हैं वो हम फाइबर से बना लेते हैं और फाइबर किससे मिलती है हमें प्लांट से कॉटन एंड जूट आर टू मेन फाइबर्स कॉटन और जूट ये दो मेन फाइबर्स हैं वी गेट फ्रॉम प्लांट जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं तो यहाँ पे कॉटन प्लांट है आप देख रहे हो कॉटन प्लांट फिर कॉटन की शर्ट बन गई ओके कॉटन प्लांट प्लांट से हमें कॉटन मिला तो यहाँ पे जूट प्लांट है ये तो हम यहाँ जूट के बैग बन जाते हैं रोप बन जाती हैं रस्सियाँ अब ये फास्ट ट्रैक नोट्स है इसे आप पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी है इन हिंदी एक्सरसाइज पे आते हैं एक्सरसाइज टिक द करेक्ट आंसर फर्स्ट बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड बड़े और बहुत मजबूत प्लांट होते हैं तो उनको बोला जाता है ट्रीज सेकेंड रोज जैसमिन एंड का आर सर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं ये थर्ड मिंट पोटैटो एंड टोमेटो प्लांट आर कॉल्ड इनको क्या बोला जाता है हर्ब्स फोर्थ लीव ऑफ नीम एंड बबुल आर यूज फॉर मेकिंग टूथपेस्ट ओके आपने देखा ना बबुल टूथ पेस्ट और नीम लगा होता है जैसे कि दांतों में कोई प्रॉब्लम ना हो बबुल की तो बबुल और नीम हमेशा टूथपेस्ट में यूज किया जाता है ओके क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सम हर्ब्स एंड सर्व प्लांट्स तो कुछ आपको स्रव और हर्ब के नेम देने हैं आंसर है फर्स्ट नेम ऑफ हर्ब्स प्लांट तो हर प्लांट्स में आ जाएंगे आपके वीट कैबेज टोमेटो नेम ऑफ सर्व प्लांट्स तो रोज मैरीगोल्ड और लेमन अब सेकंड देखिए व्हाट आर ट्रीज ट्रीज क्या हैं तो सेकंड का आंसर है प्लांट्स हैविंग है थिक वुडन ट्रंक आर कॉल्ड ट्रीज जो मोटा पेड़ होता है ठीक है और थिक होता है मजबूत होता है उसको हम पेड़ बोलते हैं थर्ड क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ प्लांट सीड तो किस पार्ट में सीड रहता है आपको पता ही है किस चीज में सीड रहता है तो फ्रूट में सीड होता है ओके फोर्थ क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ विच टाइप ऑफ प्लांट्स नीड सपोर्ट टू ग्रो किस तरह के प्लांट को सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए बढ़ने के लिए तो क्लाइंबर ठीक है जो बेल होती है चढ़ती है ऊपर तो उनके लिए सपोर्ट की जरूरत होती है फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन विच आर द टू फाइवर्स डेट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स अभी आपको बताया तो दो फाइवर्स कौन कौन से नेम आपको देने हैं फर्स्ट है आपका कॉटन एंड सेकेंड है जूट अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन वॉट इज द अदर नेम ऑफ लीव्स लीव्स का अदर नेम क्या है लीव का अदर नेम मैंने अभी बताया था किचन ऑफ द प्लांट लीव का सेकेंड नेम क्या है किचन ऑफ द प्लांट अब आते हैं हम सी क्वेश्चन पे फिलिंग द ब्लैंक्स विद द शिटेबल वर्ड्स तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपको इनको यूज करके इन्हें फिल करना है फर्स्ट है अ डेस इज़ अ श्रब तो यहाँ रोज आएगा अ रोज इज श्रब सेकेंड प्लांट्स दैट ग्रो पैरल टू ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स यहाँ आप क्रीपर फिल करोगे फ्लावर्स गिव स्वीट फ्रेगरेंस बताया था कि फ्लावर्स में से बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है एनवायरमेंट को महका देता है महका देते हैं फ्लावर्स प्लांट हैविंग थिक वुडन ट्रंक्स आर कॉल्ड ट्रीज तो इसमें ट्रीज फिल करोगे फिफ्थ है ग्रेप बाइन इज अ क्लाइंबर ग्रेप बाइन क्या है क्लाइंबर है जो ऊपर चढ़ती है बेल सर्ब्स लेवस फॉर वन और टू सीजन सर्ब्स एक और दो सीजन तक रहती है सेवन में नीम एंड बबूल आर यूज फॉर नीम और बबूल का यूज़ किया जाता है किसके लिए फॉर मेकिंग हर्बल टूथपेस्ट ओके okay? हर्बल टूथपेस्ट बनाने के लिए अब आता है आपका डी एक्सरसाइज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट तो नीम एंड बबूल आर प्लांट्स लीव दैट इज यूज फॉर मेकिंग हर्बल टूथपेस्ट येस ट्रू सेकेंड वाटर मेलन इज अ क्लाइंबर फॉल्स क्लाइंबर नहीं है ठीक है क्रीपर है मिंट पोटेटोज एंड टोमेटोज प्लांट्स आर कॉल्ड सर्व फॉल्स रोज इज आवर नेशनल फ्लावर नो रोज अपना नेशनल फ्लावर नहीं है सीड्स आर प्रजेंट आउटसाइड द फ्रूट्स फॉल्स ठीक है इनसाइड रहता है आउटसाइड नहीं रहते हैं बीज फ्रूट में बाहर थोड़ी ना होते हैं बीज सिक्स प्लांट्स ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन यस ट्रू प्लांट्स हेल्प करते हैं बारिश को लाने में बिग एंड स्ट्रेट प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज यस ट्रू अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन हमारा ई मैच द फॉलोइंग तो ट्री है फर्स्ट ई e को मैच करेंगे ई e से इसको बिग एंड स्ट्रोंग प्लांट होते हैं ट्री सेकेंड है क्रीपर्स ग्रो वर्टिकली एंड पैरल इन ग्राउंड ए से मैच करोगे सेकेंड को थर्ड है सर्ब्स इसको मैच करोगे लिव इन मैनी ईयर्स सी से हर्ब्स को मैच करोगे स्मॉल एंड वेरी बिग प्लांट्स क्लाइंबर्स को मैच करोगे नीड सपोर्ट टू स्टैंड अपराइट अब यहाँ ये एक्टिविटी है आपकी फाइंड द नेम ऑफ डिफरेंट थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स तो अपने आप से यहाँ छाट के भर लेना इसमें सर्कल करने हैं टर्न हो गया इधर इधर कैरट हो गया इधर एप्पल हो गया इधर जिंजर है पोटैटो है बनाना है मेज़ है और भी आप फाइंड आउट कर लेना आपको काफ़ी इसमें मिल जाएंगे तो ये चैप्टर हमारे यहीं कंप्लीट होता है अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें थैंक यू फॉर वाचिंग।